देखिए 2014 से हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी मिली या खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी मिली तो उसको पूरी पूरी ईमानदारी से हम लोगों ने निभाने की कोशिश की है। मैं शुक्रगुजार हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और इम्तियाज जलील साहब का, जिन्होंने मुझे सिटी प्रेसिडेंट के अहदे से नवाजा था। 2017 से लेकर 2021 तक मैंने सिटी प्रेसिडेंट के अहदे पर काम किया, शहर के अंदर संगठन को मजबूत किया। 2021 में मुझे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से जो है तो इम्तियाज भाई ने नवाजा था। और 2021 से लेकर 2024 तक लगातार हम लोगों ने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रामीण के हर सर्कल के अंदर, हर गांव के अंदर हम लोग पहुँचे और जमात को वहाँ पर जो खड़ा किया। 2024 के जो हमारे एमपी इलेक्शंस का रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा रिजल्ट अगर आया है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है कि क्या कमी रह गई, कहाँ हम गलत हो गए या क्या खामी हमसे रह गई जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। तो मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज राजीनामा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एमपी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसकी कहीं ना कहीं मुझ पर भी जिम्मेदारी बनती है। तो एमपी इलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और ये बताता हूँ कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं राजीनामा दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, नहीं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही थे, हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2019 के अंदर भी मैंने पार्टी से औरंगाबाद के सेंटर हलके से उम्मीदवारी मांगी थी, तो इस बार भी मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीदवारी मांगूँ खासदार इम्तियाज जलील साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से कि मुझे औरंगाबाद के हलकों से जो है तो एमएलए का टिकट दिया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर एमएलए टिकट के लिए कोशिशें भी करेंगे और औरंगाबाद शहर के अंदर मेहनत भी करेंगे कि किस तरीके से औरंगाबाद शहर के तीनों विधानसभा के हलके हम जीत सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट है जनाब शारिक नजबंदी साहब अलग अलग इलाकों के अंदर जो है तो वोटर आईडी के कैंप्स ले रहे हैं, लाडली बहन के हमारे जो है तो कैंप्स ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर जमात को और मजबूत करें। तो इसी का सिरा आने वाले वक्त के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरे एमएलए के हलके के अंदर हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, चाहे वोटर आईडी के ताल्लुक से हो, चाहे लाडली बहन के हमारे फॉर्म्स के ताल्लुक से हो या आवाम की जो मामला, तो उसके अंदर हम लोग खिदमत करना चाहते हैं। इसीलिए मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोस्ट से रिज़ाइन दे रहा हूँ और ये रेजिग्नेशन मैंने जब रिज़ल्ट आया था उसके फ़ौरन बाद भी देने की कोशिश की थी, मगर इम्तियाज जलील साहब की तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग जो तो ये राजीनामा हमारा दे रहे हैं। नहीं नहीं, रेजिग्नेशन के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई है। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं जैसा बताया कि जैसा एमपी इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके फ़ौरन बाद ही मैं चाहता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पोस्ट से रिज़ाइन करूं, मगर क्योंकि इम्तियाज भाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिप से रिज़ाइन दे रहे हैं और ये हमारी मांग है कि हमको औरंगाबाद के सेंटर हलके से या पूर्व हलके से एमएलए की उम्मीदवारी दी जाए। ये मांग को लेकर मैं बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के पास भी जाऊंगा, इम्तियाज जलील साहब के पास तो ऑलरेडी मैंने अपनी मांग को रखा है। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इलेक्शन के रिजल्ट के फ़ौरन बाद ही मैंने रेजिग्नेशन देने की पेशकश की थी, मगर क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं इसीलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे रेजिग्नेशन देने की नौबत आई है। और रेजिग्नेशन देने की वजह यही है कि जो एमपी इलेक्शन के अंदर हमारा रिजल्ट ख़ास तौर पर ग्रामीण से आया है, कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी बनती है और मैं अपनी जिम्मेदारी को मानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो ज़िम्मेदारी को लेकर राजीनामा दिए वो तो एक बात है ही, मगर साथ ही में क्योंकि मुझे अब मेरे हलके के अंदर मेहनत करना है, एमएलए इलेक्शन सर के ऊपर है और उसके अंदर हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे पूर्व का हलका हमारा हलका हो या सेंटर का हमारा हलका हो, इन हलकों के अंदर वोटर आई डीज़ के कैंप्स और लेने की ज़रूरत है और जो वोटर आई डी कैंसिल कर दिए गए हैं उनको दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है। तो यही काम को लेकर जो है तो अब मैं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा, मैं अपने विधानसभा हलके में वक्त देना चाहता हूँ, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये जो तो राजीनामा दे रहे हैं। ऐसा चर्चा है कि इम्तियाज़ जलील साहब मध्य से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। औरंगाबाद शहर के अंदर तीन हलके हैं जिसमें से एक रिजर्व है, एक ईस्ट है और एक सेंटर है।
दोनों सीट के ऊपर आज किसी की दावेदारी मैं नहीं समझता हूँ कि है, चाहे इम्तियाज भाई हो या डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हो, जो भी नाम फाइनल होंगे वो फाइनल करने का अधिकार मेरे सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास है। और मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर साहब इस बार हमको भी मौका दे सकते हैं, क्योंकि लगातार 10 साल से हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं और 2019 के बाद से हम लोगों ने दारुस्सलाम के ऊपर जनता दरबार की शुरुआत की थी। जो जनता दरबार हम हमारे एसी कैबिन छोड़कर आवाम के लिए बाहर जो है तो टेबल लगाकर बैठते हैं, रोज़ जो है तो दारुस्सलाम के जनता दरबार के ऊपर आवाम आती है, चाहे उनके कॉरपोरेशन के मामला हो, चाहे उनके एमएससीबी के मामला हो, या पुलिस स्टेशन के मामला हो, या कोई और मामला हो, जो भी मामले लेके आवाम दारुस्सलाम के ऊपर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर हम लोग उनके मामलों को सुनते हैं और हमारे लेवल के ऊपर जितनी उतनी उनकी मदद कर सकते हैं हम लोग करके दे सकते देते आए हैं। तो मैं समझता हूँ एक आवाम के अंदर भी एक अच्छा मैसेज है कि दारुस्सलाम के ज़रिए हम लोग उनकी खिदमत करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आवाम भी चाहती है कि हमको इस बार मौका दिया जाए। और साथ ही में जमात के भी जो हमारे सिपाही है, जो हमारा कैडर है, कहीं ना कहीं वो भी चाहता है कि इस बार जो तो हमको मौका दिया जाए। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से और इम्तियाज अली साहब से गुजारिश करूंगा कि 2019 के अंदर भी हम लोगों ने कोशिश की थी, मगर किसी वजह से हम कम पड़ गए, ट्वीट कुछ और आ गया, तो हम लोगों ने जमात का साथ नहीं छोड़ा, हम लोग खिदमत करते रहे, आज भी जमात के साथ मौजूद है, आगे भी रहेंगे। हमारी मांग ये है कि इस बार हमको भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, नासिर सिद्दीकी साहब की भी दावेदारी होना चाहिए और साथ ही में जमात का जो हमारा सिपाही है, चाहे वो मामूली हमारा कार्यकर्ता क्यों नहीं होता हो, चाहे हमारा वार्ड सदर क्यों नहीं हो सकता हो, उसने भी अपनी दावेदारी रखना चाहिए। देना नहीं देना बैरिस्टर साहब का काम है, जो आदेश उनकी तरफ से आएगा उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा, मगर आज कोई दावेदार नहीं है, आज सब इच्छुक उम्मीदवार है, चाहे मैं रहूँ या डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब रहे, नासिर सिद्दीकी साहब रहे या इम्तियाज जलील साहब रहे। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, चाहे गंगापुर की हो, वैजापुर की हो, कन्नड़ की हो, खुल्लाबाद की हो, ये तमाम टीम मेरे साथ जो तो राजीनामा दे रही है, आगे जो भी आदेश इम्तियाज अली साहब की तरफ से आएगा। कितने लोग? पूरी डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम मेरे साथ राजीनामा दे रही है। कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ पोस्ट होल्डर है, जो हमारे तालुका सदर है, शहर सदर है, कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता तो हमेशा कार्यकर्ता रहने वाले हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने से ज़्यादा इस बात का हमको खुशी है और गर्व है कि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। क्या आप नाराज हैं इम्तियाज साहब? बिल्कुल नहीं, इम्तियाज अली साहब नाराज़ इम्तियाज अली साहब से नहीं है, उनकी हार से हम नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों का दिल जीतने की ज़रूरत थी, जो कि हम कम पड़े, तो इंशाल्लाह उसको और दुरुस्त किया जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ दौरा होने वाला है, तो आप उनसे बातचीत करेंगे? बिल्कुल, मेरा सदर है, मेरा सदर मेरे शहर में आ रहा है, तो बिल्कुल उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनका स्वागत भी करेंगे और उनको हमारी बात अपने जैसा आपके सामने हमारी बात रखी है, उसी तरीके से बैरिस्टर साहब के भी अपने सामने भी हम हमारी बात रखेंगे। क्या